सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि नवंबर माह में निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत हमें 3 मॉड्यूल कर रहे हैं, तो उनमें से जो 11वां मॉड्यूल है उसका नाम है विद्यालय शिक्षा में नई पहलें। तो इस वीडियो में हम 2 क्वेश्चन के सेटों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम 20 में से 20 अंक प्राप्त कर सकते हैं। उड़ीसा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रथा को सर्वोत्तम अभ्यास माना जाता है? तो इसका उत्तर है मो विद्यालय अभियान। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार योजना के अंतर्गत कितने पुरस्कारों को युक्त संगत बनाया गया? इसका उत्तर है 45 पुरस्कार। समग्र शिक्षा योजना को डैश पुनर्निर्मित किया गया, यह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं के आधार पर संशोधित। समग्र शिक्षा के तहत परिवहन सुविधा माध्यमिक स्तर के सभी विद्यार्थियों के लिए है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत, तो इसका उत्तर आएगा 25। जो सीटें आरक्षित हैं वो हैं 25। जिन्हें समग्र शिक्षा के तहत शुरू किया जा रहा है ताकि सीखने के प्रतिफलों का निष्पक्ष आकलन किया जा सके, विद्यालय आधारित आकलन SBA, केंद्र प्रायोजित योजना, तो इसका सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वित्त पोषित होती है, तो यह संघ राज्य राज्य क्षेत्र और केंद्र। समग्र शिक्षा के तहत पुस्तकालय को मजबूत करने के लिए जो वार्षिक अनुदान की सीमा है वह 5,000 रुपये से 20,000 रुपये दिए जा रहे हैं। समग्र शिक्षा योजना के जो मुख्य घटक हैं वो हैं 5, उनमें से हम यहाँ पर 5ों ले लेंगे, जैसे प्री स्कूल शिक्षा आदि, तो इसमें 5 आएंगे हमारे, 5ों सही हैं। विभिन्न परिस्थितियों में सभी राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित ये जो नवाचारी है इसमें आएगा डिजिटल रिप्रोजेक्टरी। परक डैश के साथ जुड़ा हुआ एक निकाय है, इसका उत्तर आएगा निष्पादन और समग्र विकास का आकलन। इसके बाद है शिक्षा को किस संविधान संशोधन में समरवर्ती सूची में शामिल किया है, यह आएगा 42वां में इसको शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सुधार समग्र शिक्षा में हस्तक्षेप नहीं है? तो इसका उत्तर आएगा आपका परामर्शदाताओं का प्रशिक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के लिए सही नहीं है? तो आएगा इसका यह नियमित अंतराल में नहीं किया जाता है। समग्र शिक्षा योजना का मुख्य बल 2T पर केंद्रित है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े, तो यह आएगा प्रौद्योगिकी, इसको टेक्नोलॉजी बोला जाता है। प्रारंभिक विद्यालयों तक पहुंचने के लिए कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को समग्र शिक्षा योजना के तहत परिवहन की जो सुविधाएं मिल रही है वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए है। कक्षा की छात्राओं को समग्र शिक्षा के तहत आत्मरक्षा का जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो आता है 6 से 12 तक की कक्षाओं के छात्राओं के लिए। इसके बाद आता है समग्र शिक्षा का उद्देश्य आवश्यकता वाले सभी बच्चों को एक निरंतर में शामिल करना 1 से लेकर 12 तक के लिए। इसके बाद आता है समग्र शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन कक्षाओं के लिए सहयोग दिया जा रहा है? इसका आएगा पूर्व विद्यालय के 12 के छात्र। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अध्यापक शिक्षा के लिए संस्थागत सहायता प्रदान करने पर होना चाहिए, तो इसका उत्तर आएगा अध्यापक प्रशिक्षण के लिए नोडल अधिकारी। भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा एक मील का पत्थर है? तो इसका उत्तर है सर्व शिक्षा अभियान 2000। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, योजना डैश के तहत समझ के साथ पढ़ने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए पुस्तकालय संसाधन पढ़े भारत बड़े भारत।
राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण क्यों आयोजित किया जाता है? सीखने के प्रतिफलों का आकलन करने के लिए। मनोदर्पण ऐप के लिए है, बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता। अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा के तहत विद्यालयों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण का उद्देश्य है लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। समग्र शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के लिए सहायता डैश के लिए है, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय। UDISI का पूरा नाम क्या है? स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना। समग्र शिक्षा योजना का विजन क्या है? शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार प्री स्कूल में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक समावेशी शिक्षा देना। समग्र शिक्षा के तहत पुस्तकालयों को मजबूत करने के लिए जो अनुदान है वो 5,000 से 20,000 रुपये तक है। समग्र शिक्षा का एकीकृत जो योजना है वो यहाँ पे दिखाया है हमने, ये पहला दूसरा और तीसरा इसमें आएगा। वास्तविक समय में डेटा एकत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किया गया ऑनलाइन पोर्टल UDIS प्लस एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन सा पहला बच्चे को प्राकृतिक अनुभव और बागवानी में रुचि पैदा करने में मदद करता है? वह विद्यालय पोषण उद्यान। पुनर्निर्मित समग्र शिक्षा के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिए जो उन्नयन है वो 6 से 12 तक। निष्पादन ग्रेडिंग संकेतक PGI, इसका उत्तर आएगा 50। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन एजेंसी का क्या है? वह राज्य कार्यान्वयन समिति। USISI का पूरा नाम है स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना। समग्र शिक्षा योजनाओं को डैश पुनर्निर्मित किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं के आधार पर। 2018-19 में स्वीकृत कुल 5,970 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में 4,841 पहला वाला विकल्प इसका उत्तर आएगा। स्कूली शिक्षा पर सभी जानकारी प्रदान करने के लिए देश भर में 15 लाख से अधिक विद्यालयों को जोड़ने के लिए सगुन पोर्टल शुरू किया गया। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, तो इसका उत्तर है सीखने के प्रतिफलों का आकलन करना। समग्र शिक्षा के तहत पुस्तकालयों को मजबूत करने के लिए दिया जाने वाला वार्षिक अनुदान 5,000 से 20,000 रुपये तक है। तो आपने देखा कि हमने इसमें 20 में से 20 अंक प्राप्त कर लिए हैं।